सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से अपने जा रहे हैं फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिजम्स। सो इसके अंदर लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था रोबोट हो एक स्वीडन के बारे में कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की थी और उसके बाद क्या सेल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट के। सो गाइस, जो सबसे पहला इसका माइक्रोसॉफ्ट का है वो ये देखें। ये मेरी ड्राइंग कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि बोर्ड के ऊपर मेरी ड्राइंग करने का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। सो ये जो सबसे पहला है ये है एक लाइट सोर्स, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें लाइट सोर्स की ज़रूरत है, गहराई से। ये स्टेज है जहाँ जो है चीज़ रखी, यहाँ जो एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसीमैन जिसको ऑब्जर्व करना होता है हम लोग को, वो यहाँ रखा जाता है। और ये है लेंस, जिसकी मदद से हम लेंस उसका जो है थोड़ा तेज़, मतलब कि उसको गहराई से देखना होगा तो हम उसके लेंस को यूज़ करेंगे। उसका लेंस तीन होते हैं, यहाँ तीन लेंस, ये तीनों के अंदर अलग अलग जो है मीटर्स हैं या फिर कुछ भी कह लो, जिससे हम जो है मतलब कि ज़्यादा माइक्रोस्कोप मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे कर करके जो है 1000 ऐसे करके हम जो है देख सकते हैं स्टेज को, ये इसको जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आता है ये जहाँ से दिखते हैं, इसको कहते हैं आई पीस। यहाँ लोग जो यहाँ ये देखते हैं जो जिस स्पीसीमैन को ऑब्जर्व करना होता है वो यहाँ से देखते हैं कुछ साइंटिस्ट, और यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं हम। और यहाँ ये लाइट सोर्स ऑन होती है और यहाँ एक स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन का बटन होता है, स्विच का एक बटन होता है। उसके बाद ये होता है फोकस फोकस नोब्स, और इसकी वजह से कोई जो इमेज होती है वो ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आती है। और ये होता है इसकी आर्म, जिसे हम लोग को माइक्रोस्कोप को अगर हिलाना होगा तो ऐसे हम लोगों ने इसके आर्म पे करना पड़ेगा। और ये रही इसकी बेस, ये इस बेस को हम लोग को दोनों आर्म से अपनी जो है पकड़ के दूसरी तरफ लाना पड़ेगा। और यही होता है एक माइक्रोस्कोप के अंदर। देखें, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल पार्ट्स होते हैं इसके। और सॉरी ये नहीं था सोर्स, ये गलत हो गया मेरे से, ये एक पूरा है, ये लाइट सोर्स। और उसके बाद यहाँ एक चीज़, ये भी एक और पार्ट है, स्टेज क्लिप। इसके ऊपर हम जो है जो हमारा स्पेसीमैन है इसको हम देख सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे मैं स्पेसीमैन क्या कही जा रहा हूँ, तो मैं अभी आपको इसके बाद बताता हूँ कि स्पेसीमैन क्या होता है। अभी आता है कि स्पेसीमैन ये होता है कि एक जो है ना, ये देखें यहाँ जो है हम जो है साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर कोई भी ब्लड लेते हैं, इसके ऊपर ब्लड का किसी सैंपल लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसीमैन। जो चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व करनी हो माइक्रोस्कोप की मदद से उसको हम कहते हैं स्पेसीमैन। सो गाइस, प्लांट के भी सेल्स होते हैं। जी हाँ, प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग के हर लिविंग थिंग के पास सेल्स हैं, प्लांट्स के भी पास सेल्स हैं। प्लांट्स के लीव के नीचे जो होते हैं ना, उसको वो होते हैं सेल्स।
बॉक्स टाइप होते हैं सेल्स की शेप, तो वो सेल्स के अंदर वो सेल्स के अंदर ये होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये पूरी ये एक सेल है प्लांट का, ये प्लांट के एक सेल है और इसके ये पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आता है, पहला पार्ट के अंदर आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बॉम्ब भी होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस चीज़ें होती हैं। सो ये न्यूक्लियस के अंदर आप ये देखें, ये एक लाइन्स हो रही होंगी। पहले मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। ये सेल्स को जो है सेल्स का कंट्रोल करती है, यहाँ तक के लेके सेल के रिकवर तक। और इसके अंदर जो है थ्रीटेंड लाइन्स हो लाइक स्ट्रक्चर है ये, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसम्स। ये हम कहते हैं इसको क्रोमोसम्स। और जिसके अंदर होता है डीएनए, जो डीएनए से बनता है वो होती है डाइऑक्सीराइबन्यूक्लियस एसिड। ये बहुत लंबा नाम है इसका। ये होती है, उसके बाद डीएनए से ही फिर बनता है जेनेस, जो एक जेनरेशन से, एक ह्यूमन की जेनरेशन से दूसरी ह्यूमन की जेनरेशन के अंदर जाता है। सो गाइस अभी हम जाते हैं इसकी तरफ, वैक्यूल की तरफ। सो गाइस वैक्यूल जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस है, जिसके अंदर होता है सेल सॉल्ट्स न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के होते हैं, और जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद होती है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है और ये पूरी की पूरी बड़ी होती है। और उसके बाद होते हैं सेल्स वॉल। सेल्स वॉल जो है एकदम प्रोटेक्ट करती हैं और कुछ चीज़ों को अपने अंदर पास थ्रू करने देती है, और अंदर के और बाहर के दोनों के सरफेस को देख के कुछ चीज़ों को पास थ्रू करने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं। और ये एक ऐसे करके एक रेगुलर शेप बना रही है, रेक्टेंगल। और इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन ये होता है कि सेल के अंदर जो है जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ये कंट्रोल करता है पूरी की पूरी तरह से। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिनको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और जिस क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और लाइट को ट्रैप करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। सो गाइस ये था पूरा ये, और साइटोप्लाज्म रह गया है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस जो टूट जा ब्रोकन हो जाते हैं वो रीबिल्ड होते हैं, और रीबिल्ड होके वापस से अपनी जगह पे चले जाते हैं। सो गाइज ये था ऑल अबाउट टुडे। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।